हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश और आप लोग हैं योगी में। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिस करने वाले हैं जो है मशीनिंग ड्राइंग की प्रैक्टिस। एंड मशीनिंग ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जो फाइनल ड्राइंग होती है, उससे पहले एक फॉर्जिंग या प्रूफ मशीनिंग ड्राइंग बनती है। मशीनिंग ड्राइंग फिनिश कंपोनेंट कहलाता है। तो उसके अंदर बहुत सारी सरफेस फिनिश या अदर सिंबल्स दिखाए जाते हैं, नोट्स दिखाए जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, कैसे इसे ड्रॉ करना है, क्या क्या डाइमेंशनिंग कैसे करनी है, कैसे सेक्शन दिखाना है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं और कैसे मशीन ड्राइंग कम्प्लीटली बनाई जाती है। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मेरे ऑटोकैड की फाइल ओपन हो रखी है एंड साथ में एक ड्राइंग है जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार ड्राइंग पहले देखते हैं। ये मशीनिंग की ड्राइंग है, ये कुछ इस टाइप की ड्राइंग है जिसमें डाइमेंशनिंग भी है। यहाँ पे नर्लिंग दे रखी है, नर्लिंग जो किसी भी राउंड पुर्शन को पकड़ने के लिए आसानी से पकड़ा जाता है, तो ये नर्लिंग की जाती है, लेथ मशीन पे किया जाता है इसको। एंड यहाँ पे इसका सेकेंड व्यू है, यहाँ पे डिटेलिंग दिखा रखी है। तो ये कम्प्लीट ड्राइंग हम ऑटोकैड पे बनाएंगे। ओके, तो साथ ही साथ इसको समझते भी रहेंगे। ओके, सो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं एंड इस पोर्शन पे पहले काम करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं एंड ये लाइन ड्रॉ कर ले एंड इस लाइन से और कुछ डाया ऑफसेट करूंगा। जैसे कि सबसे बड़ा वाला डाया जो है 80 का है, सो उसके बनाने के लिए मैंने ऑफसेट करना है 40। तो ऑफसेट रिसेंट 40, एंटर। ओके, एंड देन सेकेंड डाया जो है वो है 50 का, सो 25 ऑफसेट करेंगे। तो 25 ऑफसेट, एक मिनट दोबारा ऑफसेट लेना पड़ेगा एंड 25, एंटर। ये हो गया 25 का ऑफसेट एंड इसके बाद ये अंदर का इसे बाद में बनाएंगे। सो दो ऑफसेट कर लिए एंड इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से ले लेते हैं। ये हो गया एंड यहां से ये कितना है 40 का ऑफसेट है, ओ एंटर 40 ऑफसेट। एंड इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ई एक्स इंटर, इस लाइन तक इंटर किया मैंने एंड इंटर किया अगेन, टी आर इंटर इंटर इंटर। सर शॉर्टकट कमांड यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप भी शॉर्टकट यूज करेंगे तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। सो मैं चेक कर सकता हूँ इसको, ये मेरा 40 का ऑफसेट हो चुका है। इसके बाद यहां से ये डिस्टेंस 20 की है, सो ऑफसेट ओ एंटर 20 एंटर एंड ट्रिम। इस लाइन से ए वो एंटर दबा दिया एंड इस वाले पोर्शन को टी आर और इस पर क्लिक कर दिया, ट्रिम हो गया। ओके, देन इसी प्रकार इस लाइन को भी ट्रिम कर सकते हैं, इस पर क्लिक किया, एंटर किया, ट्रिम इसने ऑटोमेटिक ले लिया एंड इस पर क्लिक किया एंड एंटर कर दिया, ट्रिम हो गया। इस तरीके से इतना पोर्शन बन गया मेरा। एंड यहाँ पे इस चीज को अंदर हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई का बना सकते हैं इसका। सो 50 का डायमीटर है, ओ एंटर 25 इंटर, या इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा सेम था 25 था, तो इस लाइन को आगे तक ले सकते हैं। एंड ये कितने का है, और ये जो आपका स्टैंड पोर्शन है 35 एंड 20, तो ये कितना हो गया 55 एंड 60, सो 5 mm का ये हो गया, और इंटर 5 इंटर, ठीक है, एंड टी आर इंटर, इन दोनों लाइन को ट्रिम कर दिया, ये हो गया। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे
लैंडो की, एंड 35 अपसेट कर दिया इस लाइन से, वो एंटर 35 इंटर ये, एंड ये 14 पॉइंट, ये 14 डिग्री 3 मिनट का, इसका मिनट में दिखाता है, तो इसको आप सीधे 14.5 डिग्री का एंगल दे सकते हैं, ठीक है, ये बात वही है। सो इसको मैंने आर ओ एंटर किया एंड 14.5 माइनस में रोटेट कर दिया, ठीक है, टी आर एंटर किया एंड इन दोनों लाइनों को एंटर करके ट्रिम कर लिया, इतना हो गया। देन इतना होने के बाद मेरे को अभी आगे ये, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ इस लाइन को, इसकी जरूरत नहीं है, एंड आगे 25 का ये मेरा स्क्वायर है, ये जो पोर्शन है ये राउंड नहीं है, स्क्वायर टाइप का एक ब्लॉक है जो इस ओटी के ऊपर लगा हुआ है, तो ये बना सकते हैं हम, ठीक है, और एंटर 25 का एंटर, एंड ये 26 का ये ब्लॉक है, 25 का ये लंबाई में है और 26 का ये स्क्वायर है, ठीक है, और एंटर 26 इंटर, देन वो इंटर 26 का आर्डर 13, 13 इंटर 13 हाफ होगा ना, इसको मिरर कर देंगे, ट्रिम कर दिया मैंने, ये चीज हो गई, ये मेरा डायमेंशन चेक कर रहा हूँ 25 एंड ये 13 दूनी 26। उसके बाद आगे चलेंगे, ये 25 का यहाँ पे एक थ्रेडिंग लगी हुई है, ये थ्रेडिंग का साइज है, M20 की थ्रेड एंड टेपिंग है, सो इसके लिए मैंने क्या किया, ओ इंटर एंड 25 इंटर अगेन किया एंड ये मैंने टेपिंग कर दी, M20 की टेपिंग है, सो ओ इंटर 20 इंटर, ओ इंटर एंड 10 इंटर किया, एंड देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा ऑफसेट का यूज हो रहा है, ठीक है, तो कोई कोई कमांड्स कहेंगे बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, ये हो गया टी आर इंटर ये, एंड 2.5 का पिच है, सो ओवर इंटर 2.5 हमने ऑफसेट और कर लिया, ये मेरा पिच बन जाएगा, टी आर इंटर कर दिया, ये दोनों ट्रिम कर लिया, एंड यहाँ से आप जो भी आपकी पिच की डिस्टेंस हो, एक यहाँ पे इसको जहाँ तक भी आपकी टेपिंग हो वो कर सकते हैं एंड इसको डिलीट कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है, ये हो गया, एंड आगे करते हैं, ये टेपिंग हो गया मेरा, आप चाहो तो यहाँ पे मिरर भी कर सकते हैं, पूरे करें तो प्रॉब्लम कर सकते हैं, एम आई इंटर एफ एन एफ एड करेंगे एंड इंटर, ठीक है ये हो गया, इन लाइनों को जोड़ भी सकते हैं, जे इंटर कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे जो ज्वाइन हो जाएंगे, ये सब जे इंटर करके इंटर कर सकते हैं एंड ये फिर से इंटर अगेन, नीचे देखते रहे ज्वाइन आ गया है, इन सारी लाइन को सिंगल लाइन भी कर सकते हैं आप, ये इस तरीके से सारी ज्वाइन हो गए हैं। उसके बाद ये सिलिंड्रिकल रेडियस है एंड 25 25 60 माइनस 125 कितना हो गया मेरा, 60 प्लस 25 प्लस 25, ठीक है, -125, 15 15 का ये हाइट हो गया, सो वो एंटर 15 इंटर, एंड यहाँ पे सिलिंड्रिकल रेडियस 5 का है, तो ये वो एंटर 5 5 का ऑफसेट ये हो जाएगा, एंड टी आर इंटर इस पोर्शन को हटा सकते हैं, इसको बैठा सकते हैं, एंड यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल रेडियस है, सो लंबे में ये एक टाइप का यहाँ पे रेडियस लग जाएगा, सी इंटर करके आपने एक सर्किल में लाना है और उसको मूव करके ऐसे सेट कर देना है, टी आर एंटर, इन दोनों को क्लिक किया एंड इसको क्लिक किया, इसको हटा दिया, सॉरी इसको ट्रिम नहीं करना था, टी आर एंटर अगेन लिया मैंने एंड इससे इसको डिलीट कर देंगे, उसको ट्रिम कर दिया एंड इन दोनों लाइनों से रिफरेंस लेके इसको ट्रिम कर लेंगे, ठीक है ये हो गया, एंड ये मेरा ये इस टाइप से, और ये दोनों को यहाँ पे
मिला सकते हैं। जे एंटर करके मिला दिया। सो एंड इसको हमने एक तरीके से ये स्क्वायर टाइप का स्क्वायर का सिंबल दे दिया, क्रॉस दे दिया, ये भी हो गया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ हो गई। एंड अब ये करना है, यहाँ पे एक ग्रुप बनाना है। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये। एंड इसका साइज क्या होगा ग्रुप का, यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि ये जो है ये ऊपर से देखने से दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे भी देख सकते हैं, नहीं तो आपको सेक्शन एक्स एक्स में क्या दिखा रहा है, ये ग्रुप का ये डेप्थ दिखा रहा है। सो पहले इसकी विड्थ कितनी होगी, यहाँ से आपने इस फेस से ग्रुप स्टार्ट हुआ है 14 पे एंड वहां से 12 का सेंटर है, तो इस तरीके से ग्रुप ऊपर से राउंड हुआ एंड डेप्थ होगी। सो हमने क्या किया, और इंटर एंड ये कितने का है, 7, 14 का डाया है तो 7 का रेडियस हो गया। सो इससे इस पॉइंट के बीच का गैप 7 हो गया। तो ओ इंटर 7 इंटर किया मैंने, ओ इंटर 7 इंटर किया अगेन, सॉरी ओ इंटर एंड 7 इंटर। एंड उसके बाद आपने ये 7 इंटर किया, देन 7 ये हो गया, 7 ये हो गया एंड 12 ये हो गया, तो जोड़ के ये कितना हो गया मेरा, 7 प्लस 7 प्लस 12 26। सो ओ इंटर 26 इंटर ये हो गया। एंड इसकी डेप्थ क्या हो गई, यहां से सेक्शन एक्स एक्स देखने ही काटा है, सो ये 14 mm यहां से हुआ एंड टोटल डाया है 50 का, सो कितना हुआ 5 mm की डेप्थ हो गई। ओ इंटर 5 इंटर ये किया मैंने, एंड टी आर इंटर लेके इन सबको अननेसेसरी लाइनों को ट्रिम करना है, ये इस तरीके से ये मेरा ट्रिम हो गया। सो मेरा ई ग्रुप बन गया। एंड इसमें यहाँ पे एक ड्रिल कर रखा है जिसमें कि एक काउंटर भी मार रखा है, सो इसको बना देते हैं। क्या साइज है इसका, 20 का ये हो गया टेपिंग एंड अंदर ड्रिल। सो ओ इंटर 10 इंटर इस तरीके से मैंने ये 20 का बना दिया, एंड 20 का बनाने के बाद अंदर जो है 2.5 के पीछे, सो ओ इंटर 2.5 इंटर ये मैंने पिच दे दी। एंड ये जो है 22 mm लेंथ तक ही है, उसके बाद ड्रिल लगा हुआ 30 तक। सो ओ इंटर 22 इंटर इससे ऑफसेट कर लिया, एंड यहाँ से मैंने इसको ट्रिम कर लिया एंड इसको भी ट्रिम कर लिया, ये बाहर की लाइनों को। एंड अगेन 30 एम एम तक का ये ड्रिल लगा हुआ है, सो ओ इंटर 30 इंटर इस फेस से कर लिया एंड टी आर इंटर करके मैंने इसको भी ट्रिम कर लिया, ये इस टाइप से। एंड आगे कुछ एंगल भी है ड्रिल का एंगल, तो ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके ये जो होता है ये स्टैंडर्ड एंगल होता है, ये टोटल जो जो एंगल है ये एंगल ये 55 पर साइड होता है। सो 55 इंटू 2 110 डिग्री का ये एंगल होता है। सो आर ओ इंटर माइनस 55 आई थिंक 110 से 111 डिग्री करीब होता है ये। सो इसको जो भी है आप कर सकते हैं, एम आई इंटर करके ये इस तरीके से मिरर किया एंड इसको अननेसेसरी लाइनों को ट्रिम कर लिया। सो इस तरीके से ये मेरा ये बन गया सेम एंड ये हो गया। एंड देन यहाँ पे 25 का काउंटर मार रखा है जिसकी डेप्थ है 2 mm की। सो ओ इंटर 2 इंटर ये हो गया एंड ओ इंटर 12.5 12.5 या 25 का हाफ इस सेंटर से ऑफसेट कर लिया। एंड यहाँ पे स्केप करके टी आर इंटर इस फेस से इन दोनों को ट्रिम कर लिया एंड इस फेस से इन दोनों को ट्रिम कर लिया एंड ये जो फेस था इन दोनों से इस लाइन को ट्रिम कर लिया हमने इस तरीके से। एंड इस फेस से हमने इसको भी ट्रिम कर लिया, ये ड्रिलिंग यहाँ पे टिपिंग खत्म हो जाएगी, ये यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो इस टाइप से आपने इसको बना लिया। इसके बाद यहाँ पे आपका 4x45 का चैम्पर लगा रहा है, सो CHA इंटर एंड
फोर एंटर, ठीक है, एंड अगेन फोर एंटर, तो ये 45 डिग्री ऑलरेडी हो गया। नहीं तो आप चैम्फर के केस में एंगल भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस फोर एंड यहाँ पे सेकंड में ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपने एंगल वाला ले लिया तो एंगल वाले में लेंथ कर सकते हैं फोर एंड एंगल 45। तो एक ही बात होगी ये, ठीक है, क्योंकि 45 में सेम डायमेंशन बनती है दोनों एक्सेस में, ये भी फोर रहेगा एंड ये भी फोर रहेगा, एंगल दे चाहे डायमेंशन दे, लेकिन अलग अलग होगा तब आपको उस केस में 30 डिग्री था तो एंगल जरूर लेना पड़ता। देन इसी तरीके से मिरर कर सकते हैं इसको, एम आई एंटर सेंटर लाइन से एंड टी आर एंटर करके ये कर दिया मैंने, चैम्पर लगा दिया, ये हो गया। एंड अगेन यहाँ पे चैम्पर कितने का है, 2 into 45, सेम काम करना है हमको, अभी चार लिया था हमने चैम्पर, अब हमको दो का लेना है। सो डिस्टेंस में गए 2 enter and 2 enter, सेम एंगल, एंगल 45 में सेम डायमेंशन हो जाएगी, एंड इसी को एंटर करते रहिए, सेम क्लिक करते रहें, तो ये लगता रहेगा चैम्पर, आपको बार बार डायमेंशन देने जरूरत नहीं, एंटर करेंगे जब तक डायमेंशन चेंज नहीं करेंगे सेम लेता रहेगा। एंड इस पॉइंट से एल इंटर करके मैंने इसको यहाँ पे मैच कर दिया, एंड अगेन इन दोनों लाइनों को मैच कर दिया। अब इसके बीच में मेरे को नर्ल करना है, नर्लिंग देनी है। सो नर्लिंग के लिए क्या करते हैं, आपको हैच कमांड लेनी है, ठीक है, हैच इंटर करना है, एंड हैच करने के बाद ये हैच ऑप्शन ओपन हो गया है, देन इस पर क्लिक करना है, एंड अभी ये हैच कुछ इस टाइप का आ रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा हमको। सो यहाँ पे जाके आपको हैच पैटर्न में जाके ये होता है नर्लिंग का सिंबल, इस पर क्लिक करना है एंड स्केप करना है, ये नर्लिंग हो गया। एंड यहाँ पे आपको इसको भी दिखाना, तो एंटर करेंगे हैच में जाएंगे और नॉर्मल हैच लेके ये मैंने ये हैचिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, बस सेम चीज थी और ये भी सेम था, देन डायमेंशनिंग हम बाद में करेंगे, लेकिन और जो चीजें बनानी थी हमने वो बना ली हैं। इसका सेक्शन व्यू जो लिया है, सेक्शन पहले काट देते हैं, एल एंटर किया मैंने, एल एंटर, एंड यहाँ पे एक सेक्शन मैंने दिखा दिया ये इस तरीके से, ये सेक्शन हो गया, एंड यहाँ पे सेक्शन हमने कट करा है, एंड इसको हमने लेयर में जाके प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे सेंटर लाइन दे दिया है, ठीक है। अगर लाइनिंग दूर दूर दिखती है, मतलब ये एक ही दिखता है, तो इसको कम कर सकते हैं, 0.5 भी कर सकते हैं, ये आपकी सेंटर लाइन हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे एल ई इंटर किया मैंने, एंड यहाँ पे इसको मैंने एरो को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, कलर इसका येलो कर दिया मैंने, एंड एरो का साइज मैंने 5 का कर दिया, एंड इस तरीके से टी इंटर एंड एक्स कर सकते हैं, नाम कर नेमिंग दे दिया जो सेक्शन हमारा है, सेक्शन नेमिंग है, तो ये हो गया इंटर, एंड सी ओ इंटर, एंड सेम कॉपी कर दिया। इस तरीके से हमने ये सेक्शन कटिंग किया यहाँ पे, एंड सेक्शन कट करने के बाद अभी सेक्शन दिखेगा कैसे, तो ये आपको विजुलाइज करना है। अगर 3D में आता तो सिंपल सेक्शन निकल के आता, लेकिन 2D में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कैसा दिखेगा। सो इधर से देखेंगे तो आपको ये डाया दिखेगा, ये चैम्पर दिखेगा, ये दिख रहा है दोनों, उसके बाद इसमें होल लगे हुए हैं, ये होल दिखेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मटेरियल खाली है, तो इस तरीके से खाली मटेरियल दिखेगा, फिर ये हैचिंग दिखेगी सॉलिड, उसके बाद ये होल की ये फिलिंग ये दिखेगा खालीपन, ठीक है। सो यहाँ पे एक यहाँ पे हम लाइन ले लेते हैं ये इस तरीके से, एंड यहाँ से हमने ड्रॉ में गया एंड एक्स लाइन कमांड लिया जो ना कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, एंड यहाँ पे हमने कुछ
रिफरेंस पॉइंट ले लिए हैं, जैसे एक रिफरेंस, जो जो डायमीटर दिखेंगे, फिर इंटर किया सेकंड रिफरेंस, फिर इंटर किया थर्ड रिफरेंस, फिर इंटर किया फोर्थ रिफरेंस, ठीक है। एंड इसी तरीके से एक और रिफरेंस ये ले लिया हमने, जहाँ जहाँ पे हमारे सेक्शंस कट रहे हैं। एंड इसको कॉपी करके मैंने अगेन रोटेट किया, ये मेरा सेंटर लाइन पे मैंने एम इंटर करके मूव करके यहाँ पे रख दिया। एंड इसको मैंने मैच कर दिया इसकी सेंटर लाइन से, एम इंटर, ये सेंटर लाइन हो गई। एंड सी इंटर करके मैंने यहाँ पे डायमीटर बना दिए हैं, एक डायमीटर, दो डायमीटर, फिर इस तरीके से डायमीटर ये भाई बनाता चला गया, ठीक है। अगर यहाँ कम पड़ता है इसको आगे ले सकते हैं। एंड सी इंटर ये हो गया, एंड अगेन सी इंटर ये हो गया, ये हो गया ना। सो इस तरीके से मैंने ये डायमीटर्स बना लिए हैं। हो गया। सो इसमें अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसका ये जो चीज है, ये जितनी भी ग्रुप की चौड़ाई होगी उतना ही दिखेगा। एंड अंदर का डायमीटर ये पूरा हैचिंग हो गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे डायमीटर बनाया हमने। सो ये कितना था मेरा, ये था मेरा फ्रेंड्स 14 mm ना चौड़ाई में था। सो ओ इंटर 7 इंटर मैंने इधर से ऑफसेट किया एंड इधर से किया एंड टी इंटर कर दिया। सो इसको मैंने ट्रिम कर लिया है इस तरीके से, एंड टी आर इंटर करके मैंने इसको भी ट्रिम कर लिया है। सो इस तरीके से मेरा ये जो है ये दिखा है। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ ऐसा होगा, ये इस टाइप में स्ट्रेट है ना, सीधा ग्रुप है। सो ये आर्क नहीं आएगा, एंड टी आर इंटर ये इस टाइप से मेरा ये दिखेगा, जैसे इसमें दिख रहा है। इसमें हाफ सेक्शन दिखाया, मैं कंप्लीट फुल सेक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं एंड एच इंटर करके, एच इंटर करके यहाँ पे हम हैचिंग कर सकते हैं इस टाइप की, ये हो गया। एंड यहाँ पे दिखा रहा है 4 होल्स डाया। सो 4 होल्स में 45 डिग्री पे एक होल लगेगा। सो एल इंटर किया मैंने एंड एक लाइन यहाँ से रेफरेंस ली, एंड आर ओ इंटर करके मैंने 45 डिग्री कर दिया। एंड इसके बाद 4 होल्स एंड 6 का डाया है, एंड ये आपको पीसीडी यहाँ पे दिखाएगा। तो पीसीडी क्या है इसकी फ्रेंड्स, 65 मैं पीसीडी लेता हूँ इसकी, 65 ठीक है, हम इसकी पीसीडी कंसीडर करते हैं 65। सी इंटर एंड डी इंटर एंड 65 ये हो गया। एंड 4 होल्स डाया 6, सी इंटर डी इंटर एंड 6 ये हो गया। एंड इस तरीके से हमने इसको भी छोटा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मॉडिफाई में, ये इस तरीके से ब्रेक करने का, सो इस लाइन को यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हैं। एंड इसको भी इरेज कर दिया मैंने एंड ये हो गया। मैच कर लेते हैं इसको यहाँ सेंटर लाइन से, इसको मैच कर लिया मैंने एंड इसको भी मैच कर सकते हैं। पहले सेंटर लाइन दे दें हम एंड इस प्रॉपर्टी में जाके इसकी हम 0.3 कर सकते हैं। ये 0.3 में भी नहीं दिख रहा है तो और छोटा करेंगे, 0.1 यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। एंड एरे का यूज करेंगे, ए आर इंटर एंड इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड पोलर एरे लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने पोलर एरे में सेंटर पॉइंट लिया एंड यहाँ पे इतने सारे नहीं, ये 4 करना है मुझे, 4 में 45 डिग्री अपने आप, मतलब 90 पे 45 डिग्री पे ले लिया, बिटवीन 90 डिग्री दोनों के बीच का एंटर कर दिया। ये 4 होल लग गया मेरे। एंड इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं ऊपर या नीचे सेक्शन एक्स एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं 3.5 में हाइट पे, ये सेक्शन एक्स एक्स हो गया मेरा। ये भी हो गया, ये भी 2 कॉलम हो गए। एंड
यहाँ पे अब हम इसका ऊपर से व्यू देखेंगे, चाहे तो आप कंप्लीट दिखाएं या आप डिटेल में दिखा दें, एक ही बात है। मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ये सारा कुछ सेम रहेगा, बस आपका क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा एंड इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा। एंड सेम ये लाइन ही मेरी हेल्पलाइन लाइन बन जाएंगी, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं एंड यहाँ पे आके हमने सी इंटर डी इंटर 40 का डायमीटर बना लिया एंड सी इंटर डी इंटर 40 का डायमीटर बना लिया। इसको एम इंटर करके मूव कर लिया फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको इधर से मूव कर लिया हमने एंड एल इंटर करके इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे ऐड कर दिया, जोड़ दिया एंड इसको डिलीट कर देते हैं एंड टी आर इंटर करके इन दोनों लाइन के बीच की ये सर्किल डिलीट कर देते हैं और ये हो गया आपका, ये इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ये कितना हो गया मेरा, दोनों के बीच का गैप हो गया मेरा 12 एंड इस सेंटर से मेरा, इस सेंटर से 14 एंड रेडियस ये हो गया, ठीक है। चौड़ाई भी इसकी सेम हो गई 14, ये इस तरीके से हो गया। सो इतना काम हो गया एंड कुछ काम हो रहा है छोटा सा, इसमें आप ये तो पूरा दिखाइए या तो फिर आप इसको सेम ऐसा दिखा सकते हैं, सेंटर लाइन दिखा सकते हैं आप यहाँ से इसकी एंटर करके। CO एंटर एंड इससे मैच कर सकते हैं छोटू से, छोटू लाइन से। ओ ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये अब एरर हो चुका है, तो अलग से जाके प्रॉपर्टी में यहाँ पे सेंटर लाइन डिसाइड करेंगे एंड यहाँ पे जाके 0.3 में ये दे दिया मैंने इस तरीके से। एक चीज और आ रही है मेरी, यहाँ पे देखिए डिटेल एक्स जो दिख रहा है, यहाँ पे डिटेल एक्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक चैम्फर भी है और 1.25 का रेडियस भी है, ठीक है। अच्छा ये डायमेंशन जो हमने ली थी यहाँ पे दिखा रखी है 16.4 है, 16.4 से 16.07 तक ये वाली, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस टाइप से करके इसको ओ एंटर एंड 4.2 करके, सॉरी 8.2 ओ एंटर 8.2 करके यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। टी आर इंटर इन दोनों लाइन बता दिया मैंने, 16.4 का मैंने ये बना लिया एंड बनाने के बाद सेम यहाँ पे एक एंगल है एंड 1.25 का रेडियस है। सो यहाँ पे मैंने एक आर ओ इंटर किया एंड माइनस में 30 किया, सो 30 करने से ये मेरे ख्याल से ये 60 का हो जाना चाहिए, ये इससे और इससे बीच में 60 का एंगल हो गया एंड टी आर इंटर करके मैंने इसको ट्रिम कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने एफ इंटर आर इंटर 1.25 का रेडियस दे दिया, ठीक है। एफ इंटर 1.25 का यहाँ पे भी रेडियस दे दिया, ये लाइन यहाँ पे डिलीट हो गई, तो इस तरीके से इसको नीचे भी ला सकते हैं एंड इसको डिलीट कर सकते हैं, सेम को मिरर कर देंगे। एम आई इंटर ये इस तरीके से, ये थ्रेडिंग इसमें दिखा रहा है लेकिन वो पिच के हिसाब से होगा, अगर पिच कम होगी तो इसमें मैच कर जाएगा। इसने 1.25 का, इसने कितने का पिच दिया हमको, 2.5 का दिया है, हो सकता है इसको 2.5 का पिच दिया है तो 2.5 का हाफ कितना हो गया मेरा 1.25, सो वो इंटर 1.25 भी कर सकते हैं, वो इंटर 1.25 ऑफसेट, तो इस तरीके से ये भी मैच कर जाएगा। कितने का एक्चुअल पिच नहीं पता लेकिन मैं भी आपको दिखाने के लिए मैच कर सकता हूँ, ये मैच कर गया एंड सेम यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, डिलीट कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं।
मैनुअल में आपको सारा देखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ये कितने का था मेरा, सिलिंड्रिकल रेडियस है ना, सो स्फेरिकल नहीं है। यहाँ पे इसने कुछ दिखाया इसके बारे में, ठीक है, स्फेरिकल रेडियस हो गया ना ये, ठीक है। तो ये सेम ही रहेगा, ये अगर सिलिंड्रिकल होता तो फिर इसकी लेंथ दी जाती है कितने लेंथ में है, बट ये 5 का पूरा राउंड है, ठीक है, उससे मैच है, ये हो गया। एंड इसी को सेम हम दिखा सकते हैं सी एंटर करके, इस तरीके से यहाँ पे आपने डिटेल दिखा देनी है, सी ओ एंटर इसको कॉपी करना है, एंड टी आर एंटर सारा कुछ ट्रिम कर देना है, एंड एस सी 5 गुना मैंने इसको एफ एंटर करके एफ एंटर, एंड यहाँ पे इसकी मैंने डिटेल दिखा दी, ठीक है, इसका नाम दे दिया वाई। सो ये वाई डिटेल थी, सो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया डिटेल, एडिट करके DETAIL डिटेल वाई, ठीक है वाई, एंड जो भी स्केल हो SCALE स्केल 5:1 कर दिया मैंने, ठीक है 5:1 का स्केल हो गया, मतलब 5 गुना बड़ा हो गया उस वाले से, ये भी मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, एंड ये हो गया बस। एंड इसके बाद हम डायमेंशनिंग करते हैं फटाफट, ये मेरी उसके हिसाब से मेरा बन गया है जो भी ड्राइंग के हिसाब से प्रोफाइल था, एंड यहाँ पे इसने यहाँ पे दिखाया है, सो पहले टेपिंग दिखा देंगे M20, ये टेपिंग है इस टाइप की, तो ED एंटर कर रहा हूँ मैं, एंड टाइप करूँगा M20, डिलीट कर दूंगा स्पेस मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट 2.5 एंड 22 mm मिनिमम लेंथ LENGTH लेंथ, ठीक है, ये मैंने ऐसे दिखा दिया। एंड सेकंड थिंग्स डायमीटर ऑफ दिस ओडी यहाँ पे दिखा दिया 80 का, इसको और यहाँ पे ऐसे करके बड़ा कर सकते हैं आप अपने जगह के हिसाब से 80, इस पे ED इंटर करके मैं लिख दूंगा डाया, ठीक है, या फिर सिर्फ जाकर परसेंटेज सी डाया का सिंबल देंगे, एंड यहाँ पे लिख देंगे डाया बिफोर नर्लिंग, BEFORE बिफोर नर्लिंग, KNURLING नर्लिंग, कहने का मतलब है कि नर्लिंग करने से पहले डायमीटर 80 का रखना पड़ेगा, उसके बाद आप जो भी बना रहे हैं वो बनेगा नर्लिंग के बाद। सो ये हो गया, एंड सेकेंड ये डायमीटर हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 50 का, तो ED इंटर एंड शिफ्ट दबा के परसेंटेज सी से डाया आ जाता है, एंड डी से परसेंटेज एंड डी से सी से डाया आता है, एंड डी से क्या आता है शिफ्ट दबा परसेंटेज एंड शिफ्ट दबा के परसेंटेज सी किया मैंने डाया आ गया, एंड शिफ्ट दबा के परसेंटेज डी किया तो एंड डिग्री आ गया, तो शिफ्ट दबा के परसेंटेज सी करना है मेरे को, एंड आगे लिखना है F7 स्मॉल में, ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा F7 ये क्या होता है, ये फिट्स होते हैं जो भी चीजें, अगर जो भी राउंड होगा ये एक तरीके से सॉफ्ट हो गया तो वहां पे स्मॉल टॉलरेंस F में या 6 में या G में दी जाएंगी, और जो भी होल के अंदर फिटिंग की टॉलरेंस दी जाती है वो कैपिटल से डिनोट किया जाता है। सो ये कुल मिला के F7 से यहाँ पे टॉलरेंस दिखाई जाएंगी, अगर आपको इसके बारे में और क्लियर जानना है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को डालें, मैं आपको बताऊंगा कि इसके टोटल फिट्स के बारे में कैसे कैसे टॉलरेंस ली जाती है, अभी के लिए मैं F7 दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये F7 हो गया, जाया 50, एंड यहाँ पे 25 ED इंटर एंड स्विफ जाकर प्रेजेंस सी 25 का डायमीटर, ठीक है, ये हो गए मेरे चारों डायमीटर मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, एंड यहाँ पे चैम्फर भी दिखा रहा है, सो इसको चैम्फर दिखा देते हैं, 4 ED एंटर किया, 4 चैम्फर में जीरो जरूरत नहीं होती है, तो 4 × 45
एंड शिफ्ट जाके परसेंट, सॉरी ये मेरा से दब गया लेफ्ट लॉक, शिफ्ट जाके परसेंट ऑफ मशीन से डी कर देंगे एंड यहाँ पे सॉरी ये 4 का 45 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा चैम्पर का ऑप्शन दिखा दिया मैंने एंड ये हो गया। एंड एक चीज और थी, यहाँ पे देख रहे हैं कि सरफेस फिनिश दिखाया जा रहा है, सो सरफेस फिनिश दिखाने के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा। सरफेस फिनिश बनाने के लिए सिंपल एक लाइन ले लें, एफ एड किया मैंने एंड इसको जो भी आपको डायमेंशन हो 5 की ले ली मैंने एंड इसको रोटेट कर लीजिए, रोटेट 60 पे, सॉरी 30 होगा, रोटेट 30 डिग्री एंड मिरर MI एंटर एंड इस तरीके से आपने इसको ये करना है एंड यहाँ पे जाके एक हाइट लेके इसको एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, ये आपका इसको डिलीट कर दें, ये बन गया। मूव करके मैंने इसको यहाँ पे कहाँ पे दिखा रहा है, ये डाया 50 पे, ये डाया 50 पे दिखा दिया एंड यहाँ पे टाइप कर दिया, लिख दिया 0.8 की सरफेस फिनिश यहाँ पे देनी है। ठीक है, 0.8 का इसको आप मूव करके कहीं रख सकते हैं, ये हो गया। एंड अगेन ये मैंने यहाँ पे डेप्थ दिखा दी इसकी, इस काउंटर की ये डेप्थ हो गई एंड ये डेप्थ होने के बाद क्या रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये चैम्फर हो गया 2, मैंने एडिट करके डबल क्लिक करके 2 × 45 परसेंट से डी 45 डिग्री, ये हो गया। एंड इसके बाद हम कुछ लेंथ दे देते हैं यहाँ पे, जो भी लेंथ दी है प्रोडक्ट की टोटल लेंथ देंगे हम 165। ठीक है, ये इसको मैंने रिफ्रेंस कर दिया एंड यहाँ पे इसकी डेप्थ दे देंगे 30। अगर एंटर किया मैंने, एंटर करते रहेंगे कमांड अपने आप ले लेगा, 40 एंड इन दोनों के बीच का गैप इसकी थिकनेस कितनी है 20 एंड यहाँ से इस पॉइंट का गैप 35। ओके, एंड इस पॉइंट का गैप 60। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैं अभी ड्राइंग के हिसाब से चल रहा हूँ। एंड इसका डायमेंशन हो गया 25 एंड ये इस पॉइंट का डायमेंशन हो गया 25 एंड इस पॉइंट का ये उसको सही से पकड़ते हैं, हाँ गैप नहीं आ रहा, ये आ गया एंड ये डायमेंशन भी आ गया आपका 15 सॉरी। ठीक है, ये दिया नहीं है, ये हो गया एंड 125 भी दिया है इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को, सो ये हो गया 125। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, इस तरीके से आप डायमेंशन अपनी शो कर सकते हैं, ये हो गया एंड इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं हमारी। अगेन अगर इसको एंगल देना है आपको, सो इसके बीच का एंगल इसके बीच का एंगल आपका हो गया प्रिसीजन में जाके ये। ठीक है, अच्छा हमारी यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी हमने, गलती करी है क्या हमने, ये मेरा डायमेंशन कितना है एक बार चेक करते हैं, 26, ये ठीक है एंड 14.5 एंड मेरा आ गया यहाँ पे कंप्लीट 29 डिग्री। बट एक बार हम इसका हाफ करके चेक करते हैं, कुछ क्या मिस्टेक तो नहीं है। 14.5 का हाफ कितना हो गया, आर ओ इंटर माइनस 7.25, ये ओके। सो इसको डिलीट करेंगे एंड इसको एक्सटेंड करेंगे हम, ये हमने कंप्लीट इसका डबल ले लिया लेकिन ये कंप्लीट 14.5 है,
सो टी आर एंटर करके इसको हम ठीक करेंगे। ये इसको हमने ठीक किया, एक्स किया, आगे तक बढ़ाया एंड इसकी डायमेंशन यहाँ से करी, इसको मैंने मॉडिफाई किया एंड इसके बीच का एंगल अभी चेक करेंगे हम। सो 15 दिखा रहा है, प्रिसीजन खोलेंगे 14.5 डिग्री ये मेरा हो गया है, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ भी कॉपी कर लेंगे नीचे वाले व्यू में एंड इसको ठीक करेंगे एंड इसको डिलीट कर देंगे एंड ई एक्स का कमांड लगा के इसको यहाँ एक्सटेंड कर देंगे एंड नीचे भी इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ये एक्सटेंड करेंगे। सो इस तरीके से हमने इसे किया, 14.5 डिग्री यहाँ पे लिख दें एंड ये हमारा 0.1 डिग्री, या नॉर्मल आप ऐसे में डालना चाहते हैं तो 14 डिग्री के परसेंट डी करें, इसको डिलीट करें एंड 30 सेकंड करें एंड सिर्फ जाकर परसेंटेज परसेंटेज बी करें एंड 0 डिग्री कर सकते हैं, सिर्फ परसेंट परसेंटेज डी करें एंड 10 सेकंड करें। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से सही लगे आपको, ठीक है। नहीं तो आप सीधे 14.5 एंड प्लस माइनस पॉइंट, आई थिंक 0.1 होगा ये, वो भी दिखा सकते हैं। 0.1 नहीं होगा ये शायद, 14.5 ये हो गया मेरा एंड 10-30 मिनट ये हो गया। सो 15 मिनट का हो गया मेरा 14.25 एंड 2.5 मिनट का ये हो गया, तो 14.1, ठीक है। सो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। इसको एफएट करके हम बाहर दिखा सकते हैं, एफएट ये हो गया, 50 का डायमीटर ये हो गया मेरा, एडी इन सेंटर लाइन भी सही कर लेते हैं, एम ए इंटर कर लेते हैं मैच, एम ए इंटर ये हुआ नहीं क्या मेरा, इसको यहाँ चेक करते हैं सेंटर लाइन ये हो गया, ठीक है। ये मेरा 50 का डायमीटर ये हो गया एंड आगे तो यहाँ पे रेडियस है क्या, यहाँ पे रेडियस दिखा रहा है तो रेडियस लगाते हैं, एफ इंटर आर इंटर एंड 2 का रेडियस ये दिखा रहा है। सो यहाँ पे दिखा सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ये ट्रिम हो जा रही लाइन ना, इसके लिए क्या करना है, एफ इंटर ट्रिम में जाके नो ट्रिम करना है एंड फिर आपको रेडियस में जाके आपको दो का रेडियस देना है, देन यहाँ पे आपका ये ट्रिम नहीं होगा। एंटर इंटर ये हो गया एंड इसी तरीके से यहाँ भी आपको ये आप दिखा सकते हैं दो का रेडियस, चेक करके देख सकते हैं। ये सो ट्रिम कर दिया मैंने इसको एंड इसी तरीके से आप इसको भी ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ लाइन भी दिखा सकते हैं चाहो तो आप इस तरीके से, ये वहां पे लाइन दिख रही होगी हल्के सी, इस तरीके से आप ये लाइन दिखा सकते हैं, ये हो गया। सो ये हो गया मेरा, डिटेल मैंने दिखा दिया, ये रेडियस है दो का रेडियस, यहाँ पे प्रिसीजन नहीं रखते हैं, 0 कर देते हैं रेडियस और चैम्बर में प्रिसीजन दिखाने जरूरत नहीं पड़ती एंड यहाँ पे आपका R5 है, इसको ईडी इंटर करके कैपिटल में SR5 कर सकते हैं, ठीक है। सिलेंडिकल रेडियस 5, एक मिनट, SR5 ये हो गया। मेरे हाथ कुछ ज़्यादा फास्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्या करूँ, तो कभी कभी
इससे भी डिलीट रहता है, फिर बैक करना पड़ता है। एफ एन एफ एट ये हो गया, एंड मैंने इसको 26 ये दिखा दिया, ठीक है। ई डी इंटर करके हमने 26 ये किया, एंड यहाँ पे जाके आपने सिंबल ले सकते हैं आप, यहाँ सिंबल का ऑप्शन आता है। इसको बोलते हैं इसका सिंबल का मतलब है कि आपका स्क्वायर जो है ये पूरा जो है स्क्वायर में है, ये राउंड नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंबल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कहीं आता है, ये आ रहा है, ये हो सकता है या ये भी हो सकता है, चेक करके देखते हैं। कॉपी किया, कंट्रोल भी किया, ये आ गया, ये इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। 26 ढूंढेंगे और भी चीज मिलेंगी। ये 26 का मेरा इसको हो गया, ये जो है ब्लॉक हो गया, स्क्वायर ब्लॉक, एंड ये मेरा ये हो गया। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर सकते हैं इस तरीके से, एंड ये डी एंटर M20 एंड मल्टीप्लाई स्मॉल में करेंगे तो छोटा कर देंगे, एंड मल्टीप्लाई X 2.5, चाहो तो आगे आप इसको 2.5 PB कर सकते हैं, 2.5 का पिच है। पिच समझ रहे हैं ना, मतलब जो थ्रेडिंग का होता है, थ्रेडिंग ये जो पिच होती है, थ्रेडिंग कितनी डेप्थ में लगेगी उसको पिच बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से M20 2.5 की ये मेरी पिच हो गई, या इसको ऐसे करके दिखा सकते हो या वैसे भी कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर लेना। ये हो गया। सो 25 यहाँ पे मेरा टॉलरेंस दिया है 0.1, कुछ नहीं है, सिर्फ जगह परसेंटेज पी करना है एंड 0.1 लिख देना है, ये आ गया टॉलरेंस। ये इतनी सारी चीजें हो गई मेरी, ऑलमोस्ट ये व्यू में मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ रह नहीं रहा है, कुछ रहेगा तो वो यहाँ पे लिखने के लिए है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और टी इंटर करके आप लिख सकते हैं KNURL, या कैपिटल में KNURL नल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। एल इंटर करके लीडर में यहाँ पे F8 करके, F8 में इस तरीके से ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ये नल है, नलिंग है, ये भी हो गया। एंड यहाँ पे अब इस व्यू में चलते हैं एंड इस व्यू पे थोड़ा सा काम करते हैं। यहाँ पे मेरे को एक तो इसी ये डेप दिखानी है, ये डेप दिखा दीजिए या सिर्फ यहाँ से डेप दिखा दें, इसको यहाँ से दिखा दें, एक ही बात है। एंड ये एंगल हो गया 45 डिग्री एंगल, एंड डायमीटर ले लेते हैं। सो ये हो गया आपका PCD, 65 का PCD हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने इसका डायमीटर दिखाना है, ये 6 का हो गया, एंड यहाँ पे इंटर में आप चाहो लिख सकते हैं 4 होल्स, ठीक है, एंड डाया 6 लिख दें या फिर 6 इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया, एंड बस ये हो गई सारी चीजें। PCD मेन थी, होल की डिटेल मेन थी, 4 होल्स 6 डायामीटर के एंड 65 PCD हो गई।
45 डिग्री पे, फोर होल्स अगर आया था इक्वल स्पेस में तो वो 45 डिग्री पे लगेगा, अंडरस्टैंड है। एंड यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे ये यहाँ पे हम दिखा सकते हैं 12, एंड ये गैप दिखा सकते हैं हम 14 इस तरीके से, एंड ये हम दिखा सकते हैं 14, एंड ये हमारा रेडियस हो गया सेम R7 का। यहाँ पे प्रिसीजन बंद कर देते हैं, ये डिटेल हो गई मेरी। देन आगे थोड़ी सी डिटेल ये भी है, सो ये जो डायमीटर था यहाँ पे आप कहीं से पॉइंट लेके इसके ऊपर एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे डायमेंशनिंग कर सकते हैं। सिर्फ जाके परसेंटेज सी 16.40 से लेकर सिर्फ जाके परसेंटेज सी 16.07, ये टोलरेंस की रेंज आ गई। मैक्सिमम 16.4 का डायमीटर होना चाहिए और मिनिमम 16.07 का डायमीटर होना चाहिए। सो कितने की टोलरेंस हो गई आपके इसके बीच में, यहाँ आप निकाल सकते हैं। ये कैंसिल कर रहा हूँ, 16.40 माइनस 16.07, एक सेकेंड 16.40 माइनस 16.07, 0.33 की यहाँ पे टोलरेंस हो गई इस तरीके से, ये हो गया। एंड इसका गैप कितना हो गया, इंटर मैंने देख लिया इसके बीच का गैप, ये 29.5 इसलिए आ रहा है, लेकिन ये होगा 5 का ही है ना, 5 मैक्स दिखा रहा है ये। ओके, तो हमने ये अपने हिसाब से ले लिया था, इसलिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। हमने इसको अपने आप से मेंटेन किया था, बट ये 5 मैक्स है। सो अगर आप 5 मैक्स करेंगे वो इंटर 5 इंटर इस तरीके से, सो ये यहाँ पे आपका थ्रेडिंग का डायमेंशन लेंथ ज़्यादा हो जाएगा है ना, इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। ये टी आर इंटर कर दिया मैंने, एंड इस तरीके से ईएक्स करके आपने ये हो गया, ठीक है इस तरीके से। तो ये क्या था मेरा 5, ये हो गया मेरा 5 ना, 5 मैक्स इस तरीके से ही इधर कर सकते हैं। एंड इसको यहाँ पे भी आप सेम इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी ये पेस्ट, ये हो गया मेरा। सो डिटेल कॉपी करेंगे सेम तो वही चीज आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं 5 मैक्स स्मॉल में, ठीक है। तो ये डायमेंशन जो थी 5 का मतलब 5 बार आएगा, तो 5 गुना स्केल किया है तो 25 आएगा, ये 29.6, ठीक है। एंड ये हो गया, एंड ये रेडियस ये हो गया आर, ये आपके ये जी इंटर, ये 1.25 का 5 टाइम्स मेरा मल्टीप्लाई था तो 6.3 आ रहा है। आपको रीड करके इसको करना है आर 1.25 इसको करना है एंड स्मॉल में लिखना है मैक्स, ये इस तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक है सेम ये होगा। एंड यहाँ पे ये एंगल दे देना है, ये हो गया। सो ये डिटेल भी होगी मेरी एंड ये डिटेल भी हो गई, नॉर्मली सारी कुछ चीजें आ चुकी हैं, कुछ छोटे गया तो वो तो अंडरस्टैंड है वो आप कर ही लेंगे, बट मोस्टली सब कुछ इसमें मैंने जो भी सेम मेरी ड्राइंग थी वो हमने इसमें कर दी है। एंड यहाँ पे था R2 का मैक्स करना था तो 2 मैक्स कर सकते हैं इसको, वो आप कर सकते हैं मैक्स, ठीक है इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें होंगी। एंड मोस्टली ये सारी चीज़ें आपकी इस ड्राइंग में हमने कवर कर ली हैं। आप इसको चाहो तो अपने किसी फॉर्मेट में रख सकते हैं, या इसी मैं एक रेक्टेंगल जनरेट कर रहा हूँ
इस तरीके से आप किसी भी रेक्टेंगल में बंद कर सकते हैं और अपने फॉर्मेट में इसको लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने ये ड्राइंग कंप्लीट, जो ड्राइंग थी हमारी, इसको हमने यहाँ पे पूरा ड्रॉ किया शुरू से लेके एंड तक का। वीडियो काफी लंबा हो गया क्योंकि इस टाइप की ड्राइंग्स में लंबा तो हो गई वीडियो, बट इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, जैसे नर्लिंग, डायमेंशन, कैसे टेक्स्ट लिखना है, कैसे डिटेलिंग करनी है, कैसे डायमेंशन देनी है, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे हैचिंग देनी है, होल के बारे में बहुत सारी चीजें मिक्स करके आपको इस ड्राइंग में दिखेंगी। तो इस ड्राइंग को सीखने का, पढ़ने का, करने का यही फायदा होता है कि आपको बहुत मल्टीप्लाई चीजें प्रैक्टिस में आ जाती हैं करने के लिए। कैसे एक ड्राइंग बनाई जाती है वो सारी चीजें आप इस ड्राइंग के माध्यम से सीख सकते हैं फ्रेंड। सो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग को इसी भी टाइप्स के कोई भी वीडियोस में और भी चाहिए हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लें। वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें वीडियोस को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमारी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी तो नई नई चीजें आपके लिए और आएंगी। बेल आइकन में क्लिक जरूर कर देना नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।